हिमाचल इंडिया मेरिया ने विनीता के साथ आई नजर डालते हैं आज कुछ खास और बड़ी खबरों पर। महिलाओं द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा के द्वारा बसंत पूजा के उपलक्ष्य में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी के साथ सरस्वती पूजा की गई। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था की महिलाओं द्वारा ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की विधिवत सभी ने मिलकर पूजन अर्चन की। संस्था के लोगों द्वारा इस वर्ष संस्था के द्वारा गरीब महिलाएं जो बस्ती में रहती हैं तथा घरेलू काम कर जीवन व्यापन कर रही हैं, उनमें से कुछ महिलाओं ने पढ़ने की इच्छा व्यक्त की थी। उनको सरस्वती पूजा के अवसर पर विधिवत पुस्तक कॉपी देकर उनको साक्षर बनाने की जिम्मेदारी संस्था की महिलाओं द्वारा उठाया गया है। संस्था के अध्यक्ष निधि चंद्राकर ने बताया कि सरस्वती पूजा में आयोजन का यह तृतीय वर्ष है। प्रथम वर्ष में संस्था के द्वारा लोगों को घर में बर्तन झाड़ू करने वाली दो गरीब लड़कियों को पढ़ाकर दसवीं की परीक्षा दिलवाई गई थी। द्वितीय वर्ष में एक अनाथ बच्ची को गोद लेकर उसके पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया गया था। इस वर्ष भी हम बस्ती की महिलाओं को शिक्षित करने का जिम्मा उठाया है। सप्ताह में 3 दिन उनकी क्लास शाम में होगी। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा विगत 3 वर्षों से शिक्षा पे और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनको स्वरोजगार दिलाने पे काम करते आ रही हैं। और हम लोग विगत 3 वर्ष से बसंत पंचमी के जो पावन पर्व है उस पर सरस्वती पूजा का भी आयोजन करते आ रहे हैं। प्रथम वर्ष जो हम लोगों ने 2 बच्चियां जो कि 10वीं की परीक्षा उनको दिलवाई जो कि बहुत गरीब थी और घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी। जो दूसरा साल था हमारा सरस्वती पूजा का जो आयोजन रखे थे उसमें हम लोगों ने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया और उसके पढ़ाई का खर्चा उठाए हैं। जैसा कि हम लोग हमेशा से कुछ नया ही करना चाहते हैं तो इस साल हम लोगों ने जो काम करने वाली महिलाएं हैं और उनको पढ़ने की इच्छा थी तो उनको 5 महिलाओं को हम लोगों ने साक्षर करने का जिम्मा उठाया है और उनको घर पे ही शाम में जब वो काम करके आ जाएंगी तो उसके बाद उनको घर में उनको जो भी है शुरुआत से उनको पढ़ाई करना सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे। कम से कम वो महिलाएं इतना सीख ले कि अपना नाम लिखना सीख जाए और कुछ जो लिखा है वो नॉर्मल वो पढ़ना जान जाए।